वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 करनाल में होली मिलन समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। होली से पहले जहां यहां गुलाल उड़ा, वहीं फूलों की होली में अध्यात्म और गुलाल का संगम दिखाई दिया। इस दौरान गायन व नृत्य की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत ट्रस्ट के प्रधान शम्मी बंसल तथा उनकी टीम ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में पहुंचे लोगों को तिलक लगाकर उन्नति की कामना की गई। वहीं मनोज ब्रजवासी लोक कला संस्थान वृंदावन की ओर से आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर लठमार होली के साथ रासलीला का आयोजन किया गया। कलाकारों की यादगार प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। कलाकारों ने राधे कृष्ण भक्ति गीत नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। ठाकुर के दरबार में फूलों की वर्षा, होली आई रे कन्हाई, होली आई रे आदि गीतों पर प्रस्तुति दी। मयूर नृत्य ने सबका मन मोह लिया। बाके बिहारी के भी लोगों को साक्षात दर्शन हुए। इस मौके पर वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान शम्मी बंसल ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से आपसी सद्भावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे कार्यक्रमों में हम लोगों को आपस में अपने अपने विचार प्रकट करने चाहिए, भाईचारे के साथ सभी त्योहार मनाने चाहिए। इस अवसर पर शम्मी बंसल, अमित गुप्ता, अंकुर गुप्ता, दीपक गुप्ता, विनोद गुप्ता, विनोद गोयल, कृष्ण गर्ग आदि मौजूद रहे। टीवी शो का एंड ही इज बीन वर्किंग नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली एज वेल। सो अपनी जितनी भी बेहतरीन प्रस्तुति आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ अपने देश में नहीं विदेशों में भी अपनी ये सभी प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं। मिडिल ईस्ट और भी बहुत सारी कंट्रीज और विदेशों के बहुत सारे पार्ट को कवर किया है। सो अगली प्रस्तुति जल्दी ही हमारे बीच आएंगे लेकर मनोज ब्रजवासी जी अपनी पूरी टीम के साथ। Our next presentation, next performance will be Mayur Nritya. पर हमने वृंदावन की जो पार्टी थी उनके द्वारा एक लाइव आयोजन करने की कोशिश की, जिससे कि करनाल के लोगों को एक नया कोई एक फंक्शन मिल पाए कि होली मिलन जो है रंगों का त्यौहार के अलावा एक फूलों का त्यौहार भी है, और इससे लोगों के अंदर जो भगवान में श्रद्धा है वो भी बढ़ती है और लोगों को अपने जितनी कल्चर है और सोसाइटी का है, सोशल का है, उसका ज्ञान भी बढ़ता है। तो ये एक हमने संस्था बनाई जो एक पेरेंट संस्था है, ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी करनाल की हमारी अग्रवाल संस्थाएं हैं उनका ध्यान भी रखती है और उनके साथ मिलजुल कर आगे काम करती है। भजन गीत संगीत का भी ध्यान रखा है ताकि मधुर आवाज के अंदर लोग पूरी तरीके से उसका आनंद उठाएं। भजन संगीत के अलावा हमने कोशिश ये की कि कई बार ये होता है कि आपको भजन के साथ कुछ लाइव प्रोग्राम्स जिसमें झांकियों में आपको भगवान के दर्शन हो पाए। भगवान की एक रूप जो है, कई बार हम बाहर नहीं जा पाते, जो लोग बाहर नहीं जाते तो यहाँ पर अपने घर में आप बैठ के हर चीज़ देख सकते हैं। उस तरह का एक आयोजन करने की कोशिश की गई और मुझे लग रहा है कि इस तरह के आयोजन आने वाले समय में हम समय समय पर करते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कितने उत्साह के साथ? जैसे अब बेसमेंट हमारी तैयार हो गई है, जब इसका फर्स्ट फ्लोर तैयार होगा तो हम एक कार्यक्रम उसके बाद फिर करेंगे। ये समाज के हर व्यक्ति का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबकी सभी करनाल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि हमारा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 में बन रहा है और इसके लिए जो हमने यहाँ पर अपना पहला प्रोग्राम यहाँ पर होली मिलन समारोह किया है, वो बहुत ही अच्छा और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है। और इस सब कार्य के लिए मैं शम्मी भाई साहब और उनकी पूरी टीम और हमारे पूरे अग्रवाल समाज को बधाई भी देती हूँ और कामना करती हूँ कि हमारा ये भवन और हमारा अग्रवाल समाज दिन दुगनी चार चौगनी उन्नति करे। थैंक यू। मैं त्रावड़ी से ममता गोयल, पंकज जी की वाइफ, और मैं यहाँ पे इनवाइट की गई हूँ और अग्रवाल समाज के एक मेंबर हूँ। तो मैं सबको एक बधाई देती हूँ, सबको होली मिलन की, कि इनको खूब खूब बधाई होली की, सबको शुभकामनाएं देती हूँ दिल से। और मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है और एक इम्प्रूवमेंट मिलती है, सबको एक जागरूक मिलता है कि इकट्ठा होना, सबको एक भाईचारगी का एहसास महसूस होता है कि अच्छा लगता है कि सब इकट्ठा होता है। थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा तो हमारे परिवार में हर साल होता है और हम लोग कहीं जाते हैं, इवेंट भी इकट्ठे जाते आते हैं, तो हम लोग दिल से इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारे अग्रवाल समाज में होली का वैसे ही बहुत महत्व है और ये हमारे AIVF विंग ने और अग्रसेन भवन का जो निर्माण किया है, ये उसका जो अभी तो सिर्फ एक नींव ही शुरू हुई है, तो अभी तो आगे आगे ये बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा और ये तो बिल्कुल छोटी सी लगा लो शुरुआत ही हुई है।
और होली रंगों का त्यौहार है और इसी रंग बिरंगे उससे यही मैं तो कामना करूंगी कि होली के त्यौहारों की तरह हर त्यौहार हम लोग सब अग्रवाल समाज यहाँ पर मिलजुल कर मनाएं। इसी उद्देश्य से ये भवन तैयार किया गया है और मैं शमी भाई साहब जी और सब अपने अग्रवाल समाज के सभी को बधाई देती हूँ होली की। बहुत बहुत सबको होली बहुत बहुत मुबारक। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।